से रुकेगी, इसी से बनेगी, ठीक है। अच्छा अलग है, देखो ये इसका ग्लास है, जेड टच है और वो लेटर है पुरानी वाली। तो देखो जो लोकल टच लाओगे वो क्या होगी, बिल्कुल पतली है देखो, और जो ओरिजिनल होगी वो थोड़ी मोटी होगी, ठीक है। तो इसको कैसे अब इसमें लगाते हैं, सबसे पहले देखो कभी भी हम जब वोल्टर को यानी कि ओसी करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसको फ्रेम में लगाते हैं, थोड़ा वैसे बनाओ ऊपर से लाइट कर। तो देखो इसके क्या करेंगे, पहले इसको निकाल देंगे, पीसीबी को ध्यान से निकालना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रेम में लगाएंगे, फ्रेम में इस तरीके से लगा लेंगे, और फिर इसके बाद में हम इसके ऊपर टच लगाएंगे, क्योंकि अगर फ्रेम में नहीं लगाओगे तो ये बैलेंस इसका हो जाएगा, इसका वो गायब फ्रेम। कौन सा मॉडल है? J7। रोक देना, देखो इसमें क्या है, फ्रेम में लगा के और पहले इसको इस तरीके से साफ करना है, यानी वैसे साफ नहीं करना है, या तो इसमें मैट पर रखना है फिर फ्रेम में, क्योंकि अगर डिस्प्ले मुड़ जाएगी तो टूट जाएगी, ठीक है, इससे बराबर रहेगी, नुकसान से आ रहा है पहले से, ठीक है। तो ये ग्लू रिमूवर होता है, जो ओसी ग्लू होता है ना वो इसी से हटेगा, कहीं तो वो एसीटोन से साफ करो, एसीटोन से नहीं हटेगा वो, इसको साफ करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके साइड से ना जाए अंदर, और यहाँ से ध्यान से साफ करना है, लेंस होता है यहाँ पे इसका डिस्प्ले का, पंखा बंद करके आओ, ध्यान बंद करके आना, इधर से पहला बटन है राइट से सामने, पहले ग्लू रिमूवर से ग्लू हटा देंगे, फिर इसके बाद में फैलकॉन से साफ करेंगे। ठीक है, अब देखो ओसी सीट लगेगी कैसे, इसमें पहले पहले इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अब इस पत्ते को क्या करना है, सीधा कर लेंगे, इसको रखना है इस तरीके से सीधा मैट पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मान लो ऐसे करके रख लिया ना तुमने, यहाँ से चटक जाएगी ये, क्योंकि ओसी सीट लगाएगी तो इसका रखना है, रोलर होगा उसका प्लास्टिक का, रखना प्लास्टिक का, ठीक है। आपको फिर से दोबारा साफ करना है, कम सी हो गई है, ठीक है। देखो इस तरीके से साफ करना है, फैन इसलिए बंद करा है क्योंकि इसमें डस्टिंग उड़ती है ना, तो वो बैठ जाएगी इसमें। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, ये होती है ओसी सीट, ठीक है, उसको निकालने का से तो इसमें एक लेयर तो ये होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद में ऐसा निकालना है और इसको हटा लो, दोनों हटा लो, इसको हटा लो, इसको ऐसे रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो साइड का कोने है उसको नए ब्लेड से काटना है, पुराने ब्लेड से भी कटेगा, ठीक है। लो सर, रख देना मुझे, कैसे काटना है, पकड़ना सीखेगा नीचे जाते जाते।
इधर रहेगा, इसको पकड़ो साइड, गेट लगेगा साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट गई। अब देखो इसमें जब हम ग्लास लगाएंगे, पेंच लगाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रेम में लगाना पड़ेगा, ठीक है। कितने के लिए कराइए, लगाना है इसको, बोले तो एक और वो होगा ना इसका फ्रेम का, एक और यही है, तीन चार बस यही है लगाना पड़ेगा। उसके बाद में इसको फिर लगाने हैं, अब टायर बंद करिए, और बोलिए ठीक है, इसको ऐसे रखना है। उसके बाद में इस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है ये जाली नहीं लगी होती है, इसमें लगी हुई वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जाली अगर हटी होगी तो यहाँ गैप आ जाएगा, या फिर बाद में लगाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। पहले लगी फिट कर लेना, उसके बाद में इसकी सीट को हटाएंगे, देखो क्या करना है, सीट हटानी है, इसको वाला लगाना है। नमस्कार जी, ये सीट है, ये भी खराब होगी तो दिक्कत आ जाएगी। क्या हो रहा है पैसे, पता नहीं क्या हो रहा है, बता दो पैच का प्रॉब्लम है, फोन खराब हो रहा है। पंखा चला लीजिए, इतनी गर्मी है, खराब हो गया अभी थोड़ी देर पहले, खराब हुआ सेव है, ये खराब हो गया, नहीं निकल, ठीक है, गया थोड़ा इसको नीचे से चिपकाना पड़ेगा पहले से, ठीक है। ये गाड़ी अब देखो इसको लगाना कैसा है, ये तरीका देखना, पहले यहाँ से मिलाना है इसको थोड़ा, ठीक है, इसको रख के ऐसे फिर ये ऐसा मिलाना पुराना। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से अगर इधर उधर हो गई ना तो ये टूट जाएगी, हल्का है बहुत, पन्नी थी इसके नीचे, पता नहीं थी क्या पहले, पता नहीं इसको ऐसे ही रखा था मैंने।